देखिए प्रभात तारा मैदान में आज युवा आजसू नव निर्माण संकल्प सम्मेलन आयोजित कर रही है। सम्मेलन की तैयारी देखने के लिए तैयारी कैसे चल रही है इसे लेकर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, पार्टी के केंद्रीय महासचिव प्रवक्ता देवशरण भगत समेत कई बड़े नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उन्होंने तैयारी का जायजा भी लिया। और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की माने तो आजसू की युवा इकाई के द्वारा आयोजित नव निर्माण संकल्प सम्मेलन राज्य की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला होगा, क्योंकि राज्य का भविष्य कल जिनके हाथों में होगा यानी युवा अपनी बातों को इस मंच से साझा करेंगे। तो हेमंत सरकार की वादा खिलाफी और युवाओं को ठगने का काम जो किया जा रहा है उसे भी इस संकल्प सम्मेलन के माध्यम से अगले 10 दिनों तक पूरे प्रदेश में लोगों के बीच रखा जाएगा और मुख्य रूप से झारखंड सरकार के खिलाफ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और बता दें कि इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता। तो देखिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शुभम कुमार रांची से, जो कि उस वक्त कार्यक्रम स्थल पर है। उनसे ही जानेंगे शुभम क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तैयारी है और क्यों ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कीर्ति, झारखंड में विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक है। हालांकि तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी अब चुनावी मूड में आ चुकी है और इसी वजह से झारखंड की राजधानी रांची में हमारी उपस्थिति है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है रांची के प्रभात तारा मैदान में और इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। आजसू का ये कार्यक्रम है और ये देखिए मेरे पीछे ठीक है मुख्य मंच है, जहाँ से झारखंड राज्य के पूर्व डिप्टी CM आजसू के सुप्रीमो और झारखंड के एक युवा नेता झारखंड नव निर्माण संकल्प सभा का आजसू की तरफ से आयोजन किया गया है। और यहाँ से कह सकते हैं हजारों की तादाद में युवाओं का जो समर्थन इन्हें मिलने जा रहा है उन्हें वो संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन एक ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि प्रभात तारा मैदान यही वो मैदान है कीर्ति जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार दौरा हो चुका है, यहाँ पर कई बार उन्होंने सभाएँ की हैं। और आज झारखंड राज्य के पूर्व डिप्टी CM सुदेश महतो की उपस्थिति में हजारों युवा कार्यकर्ताओं को आज सुदेश महतो आजसू के सुप्रीमो संबोधित करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो आज आक्रोश है झारखंड की मौजूदा सरकार के प्रति, इस मैदान से उनकी आवाज़ और उनके कह सकते हैं जो गूंज है वो देखने को मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो आज विधानसभा चुनाव के दिन अभी नज़दीक हैं, इसी कड़ी में आज प्रभात तारा मैदान में जो कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है, क्योंकि अब विधानसभा का जो चुनाव है वो NDA बनाम NDA फोल्डर है और NDA में आजसू की एक अहम भूमिका है BJP के साथ। तो BJP और लगातार आजसू मुखर होकर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब यह देखना होगा कि इस जनसभा का, इस महासंकल्प नव निर्माण सभा का क्या व्यापक असर आने वाले विधानसभा में देखने को मिलता है। क्या इसका फायदा आजसू को मिलेगा या क्या इसका फायदा NDA फोल्डर को मिलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एक बार कार्यक्रम स्थल से तमाम दर्शकों को इन तस्वीरों का दीदार करवा देते हैं। देखिए कार्यक्रम जो स्थल है वो पूरा सज के तैयार हो चुका है, बस अब इंतजार हो रहा है आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का। और उसके बाद जब हजारों की तादाद में जब राज्य के युवा इस मंच में और कह सकते हैं इस पूरे परिसर पूरे पंडाल में जब बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दृश्य कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक अनोखा दृश्य होगा। सभी लोग की जो पूरी तैयारी है वो अभी तक है, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है और 1 बजे झारखंड के पूर्व DPCM और उनके साथ आजसू के कई बड़े नेता यहाँ उपस्थित होंगे। उसके बाद वो राज्य की युवाओं को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको देखकर लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक आजसू की अहम भूमिका है और ये रेस हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुख्य मंच की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो मुख्य मंच है जहाँ से झारखंड हेमंत सोरेन भी जो है कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार। और ऐसे में महिलाओं को लेकर हमने देखा और काफी कुछ मैया योजना चलाई जा रही है झारखंड सरकार द्वारा। और अब एक बार फिर से सुदेश महतो की जो पार्टी है आजसू भी युवाओं को साधने में लगी हुई है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम में पता चलेगा। और जो बातें कही जा रही है सुदेश महतो ने भी कही कि सरकार के द्वारा जो वादा खिलाफी की गई है, तो ये कहा जा सकता है कि सुदेश महतो की पार्टी आजसू और NDA की जो सरकार है वो युवाओं को साधने में लगी हुई है आगामी चुनाव को लेकर। कीर्ति, इसमें कोई दोराय की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक है उन तमाम विफलताओं को राज्य की जनता के बीच
मौजूदा एनडीए की जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, चाहे वो आजसू की बात कर ले, चाहे कोई और पार्टी की बात कर ले, सभी पार्टी लगातार राज्य की उन तमाम विफलताओं को लेकर राज्य की जनता के बीच जाने को इसलिए आतुर है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो आजसू का ये जो आज नवनिर्माण संकल्प सभा रखा गया है उसका एक टैगलाइन दिया गया है कि रोजगार नहीं भत्ता नहीं मुझे अपना अधिकार दो। तो कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि जो आक्रोश है वो आज राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में देखने को मिलेगा और ये लगातार ये आजसू की तरफ से और कह सकते हैं झारखंड के जो युवा बेरोजगार युवा है उनके तरफ से ये मांग की जा रही है कि भीख नहीं अधिकार दो, भत्ता नहीं रोजगार दो। तो आप समझ सकती हैं कई तरह के वादे किए गए थे लेकिन वो वादे धरातल पर नहीं आए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, मैया योजना हो, चाहे वकीलों का जो पेंशन और जो वकीलों के लिए जो कैबिनेट में मंजूरी मिली थी, तमाम चीज़ों पर हेमंत सोरेन की तरफ से कह सकते हैं राज्य के सौगात तो दिए जा रहे हैं लेकिन अब इन सौगातों को बीजेपी और एनडीए फोल्डर में आजसू किस तरीके से इसे अपना पाती या नहीं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। एक बार फिर से कीर्ति तमाम दर्शकों को प्रभात तारा मैदान से वो दृश्य दिखा देते हैं। देखिए मेरे ठीक क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है और बहुत बड़ा आयोजन इसलिए हुआ है क्योंकि प्रभात तारा में जो भी कार्यक्रम होते थे चाहे वो किसी भी पार्टी का तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड स्पेस है और कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से इस जगह को चयनित किया गया, इस जगह को चुना गया कि यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया जा सके। मुख्य मंच है, उसके बाद से ये देखिए तमाम जो कुर्सियाँ लगी हैं वो कह सकते हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ आजसू के समर्थक झारखंड के युवा आज अपनी बातों को राज्य की एक सबसे बड़ी पार्टी आजसू के पास रखने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी और आजसू अब दोनों मिलकर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे राज्य की मौजूदा सरकार को जवाब देती है ये आने वाला वक्त बताएगा और ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्यक्रम का व्यापक असर कहाँ तक मिलता है आजसू को, इस कार्यक्रम का कितना लाभ आजसू को मिलता है यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। जी कीर्ति, क्योंकि सभी पार्टी अपने अपने जोर आजमाइश कर रही है और ऐसे में आगामी चुनाव में देखना होगा कि उनकी जो जोर आजमाइश है वो काम आती है और झारखंड की जनता किन्हें चुनती है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा तो हम पूरे खबर पर दोबारा आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।